सरकार ने विधवाओं के भरण पोषण हेतु विधवा पेंशन की योजना बनाई है। जन प्रतिनिधियों एवं सरकारी कर्मचारियों की निरंकुशता और लापरवाहियों के कारण ये रुपया भी बहुत ही कम ही लोगों को मिल पा रहा है। ऐसा ही बड़ा मामला वाराणसी जनपद के हरमुआ ब्लॉक बहलोलपुर गांव में शीला देवी सहित कुल 50 ऐसी विधवा महिलाएं हैं जिनका विधवा पेंशन आज तक नहीं बना है। हमारा आज तक 12 साल हो गया पति को डेट हुए, लेकिन हमारा अभी तक विधवा पेंशन तक नहीं बना है। बताइए, विधवा पेंशन भी अगर बनता है 200-400 रुपए से क्या होगा मेरा? दो बच्ची है मेरी, लड़की है दोनों, शादी करने के लायक हो गई है। मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, घर में खाने को कुछ नहीं है, घर में बच्चे हैं, रोते हैं खाने के लिए, घर भी नहीं है कि रहने के लिए हो सके मेरे पास, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अब मैं बताइए, छोटा उम्र में विधवा हो गई, जिस गली में जाओ उस गली में नज़र सबकी बुरी होती है। हम क्या कर सकते हैं, बहुत दौड़े विधवा पेंशन के लिए भी, लेकिन वो भी नहीं बना। सिलाई थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वो भी नहीं होता, तबीयत ठीक नहीं रहती, बच्चों के लेकर के किसी तरीके से गांव में बैठकर सिलाई करते हैं थोड़ा बहुत। दवा के लिए पैसे नहीं मेरे पास कि हम दवा भी ला सके अपने लिए, जब दवा नहीं खाएंगे तो काम भी नहीं होता हमसे। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप हरमुआ ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-46-52-88 पे कॉल करके दबाव बनाए ताकि इन सभी विधवा महिलाओं की विधवा पेंशन बन सके और ये अपना बाकी का जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत कर सके। मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।